काटाभांजी से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बगमुंडा बकरी बाजार है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। अभी उसी होटल में खाना खाने के बाद हम बढ़ चले हैं पदमपुर से काटाभांजी के रास्ते पर। और कल हमने शाम को खाया था राजेश होटल पे, आज भी वहीं खाया। और इधर हम बढ़ रहे हैं पदमपुर से, अभी निकल रहे हैं काटाभांजी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए इस सफर पे हमारे साथ आनंद लीजिए और देखते हैं उड़ीसा के काटाभांजी तक का सफर। तो दोस्तों, अभी हम पदमपुर से निकले हैं। ये रोड बीच बीच में कहीं कहीं ख़राब है और कहीं कहीं ठीक है, बीच में कहीं ख़राब कहीं ठीक। और अभी तक लगभग 70 किलोमीटर के आसपास बाकी है काटाभांजी। और रोड आप देख रहे हैं, बीच में बहुत से गांव बढ़ रहे हैं और उमस बहुत है। और आगे दिख रहा है पहाड़, ये पहाड़ कंटिन्यू दिखते रहेगा। और ये जैसे हम पुरी जाते हैं तो भी ये पहाड़ दिखाई देता है एक साइड पे। और फिर ये देखिए, इधर भी पहाड़ी दिख रही है, ये काटाभांजी के रास्ते पे पहाड़ी दिख रही है। और ये पैक माल से दिखना शुरू हो जाता है, पैक माल पे जो दिखता है उसको कन्मार्दन पर्वत बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी जड़ी बूटी भी वहाँ पे मिलती है पैक माल पे। और ये पहाड़ यहाँ से दिखाई दे रही है, क्या जुरिया करके है, 12 किलोमीटर लिखा है। तो रास्ता कहीं कहीं ख़राब है, कहीं कहीं ठीक है, कहीं कहीं ख़राब है, कहीं कहीं ठीक है। तो अभी चलते हैं, पहाड़ अगर आता है तो पहाड़ में दिखाऊंगा। ये देखिए सामने एक खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहा है, मतलब देखिए क्या एकदम खड़ी, बहुत शानदार। और ऐसा ही एक इधर भी है, इस साइड भी एक पहाड़ ऐसा ही है और इस साइड भी पहाड़ एक ऐसा ही है। और धान आपको अच्छा दिख रहा होगा, मतलब ठीक ठाक है इस एरिया पे खेती, जैसे कि देख रहे हैं अभी धान निकल भी चुका है, बालियां निकल चुकी हैं। ये देखिए धान की बालियां निकल चुकी हैं। और पहाड़ के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर खेती मैं देखा हूँ अच्छा खासा रहता है। अभी काटाभांजी 10 किलोमीटर बाकी है और हम लोग वहाँ कितने बजे निकले थे हरीश? डेढ़ से दो के बीच हम लोग वहाँ से निकले थे। और अभी कितना बज रहा है प्रेम? तीन अट्ठाईस हो रहा है। तो दोस्तों, हम फाइनली काटाभांजी पहुँच चुके हैं और ये काटाभांजी से गुजर रहे हैं। अब हरीश, काटाभांजी में होटल देखो भाई, थोड़ा रिलैक्स करेंगे कहीं, है ना। और ये काटाभांजी के नज़ारे आप देख रहे हैं, ये तो है नहीं रेस्टोरेंट, जय जगदम्बा रेस्टोरेंट। चल आगे देखना कितना बड़ा है काटाभांजी, ये तो मुझे भी नहीं पता, फर्स्ट टाइम काटाभांजी आया हूँ। नाम बहुत सुना था काटाभांजी का, जैसे आप देख रहे हैं आपको काटाभांजी दिखाई दे रहा है। और मैं भी फर्स्ट टाइम काटाभांजी आया, नाम तो बहुत सुन रखा है। दोपहर में बंद है कि क्या बंद है? शाम हो गया है ना, खुला होना चाहिए। अंबिका होटल, और ये कोई चौक है। और ये सामने ट्रेन लाइन है और मेरे अंदाज से ये वही ट्रेन लाइन होगी जो रायपुर तरफ से टिटलागढ़ जाती है, क्योंकि खरियार रोड के बाद इधर नुआ काटाभांजी फिर टिटलागढ़ ऐसा ही होता है। अभी तो हम पीछे मुड़ने की कोशिश करेंगे, उस पार से मुड़े हरीश, किसी पार से मुड़ेंगे क्योंकि होटल हमको खोजने हैं, शायद पीछे की तरफ हो। तो दोस्तों, फाइनली काटाभांजी में अभी हमें होटल मिल गया है और हरीश लोग कार को भी साइड लगा रहे हैं। और ये होटल का नाम है, कौन सा नाम है भैया होटल का? हनुमान होटल नाम है। लोकेशन क्या है भैया इसका? इसको कौन सा जगह बोलते हैं भैया? ये एक शास्त्री चौक एक नंबर रोड, शास्त्री चौक एक नंबर रोड बोलते हैं, वहाँ पे हमको होटल मिला है। और अभी हरीश लोग सामान लेके ऊपर आएंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमने ये रूम ले लिया है काटाभांजी पे। और काटाभांजी से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बगमुंडा बकरी बाजार है जो रविवार के दिन लगता है सुबह 6 से 9 बजे तक। तो कल सुबह 6 बजे से हम निकल जाएंगे बगमुंडा बकरी बाजार कवर करने। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, धन्यवाद।